नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसका हाल ही में कल एग्जाम हुआ है। तो उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिस टाइप से पेपर का लेवल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ लेवल था एग्जाम का, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। IBPS AFO के एग्जाम के ऑल क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप अभी तक सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरे एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पर बात हो रही है, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन। रॉक फॉस्फेट जो है उसका हम प्रयोग करते हैं किस टाइप की मृदा में प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी अगर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो एसिडिक सॉइल जो है यहां पर इसका राइट आंसर होगा। एसिडिक सॉइल यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा में जो है रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 25-40% के आसपास इसमें P2O5 होता है रॉक फॉस्फेट में, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। बाकी पीएच स्केल आप सब लोग जानते होंगे, पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक जिसमें अंक होते हैं, 0 से 14 तक जिसमें अंक होते हैं। बीच में एक 7 अंक का एक स्केल पे नंबर आता है जिसमें हम न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, 0 से 7 से कम वाले, 0 से ज्यादा 7 से कम अम्लीय मृदा की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 7 पे जो होता है उदासीन बिंदु ये होता है, और 7 से ज्यादा 14 तक जो रेंज होती है वो क्षारी की आ जाती है, ये आप सब लोग जानते हैं। पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन ने दिया था। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हम इसको कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एसिडिक सॉइल। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहां पर बात हो रही है फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिलीज्ड बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन जनवरी 29, 2021। व्हाट इज द लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल GVA। GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर का जो है GVA में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, या ये हमको यहां पर बताना है योगदान कितना है। तो अगर यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो 5.1 जो है यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है। 5.1% जो है GVA में लाइव स्टॉक का जो है कंट्रीब्यूशन है। ये भी आपके IBPS AFO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहां पर बात हो रही है पोटैटो ट्यूबर्स आर क्योर्ड एट डैश फॉर 2 डेज एंड देन एट 7 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 डेज एट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां पर जो है राइट आंसर की अगर हम बात करें, आलू से संबंधित यह क्वेश्चन है, यहां पर बात होगी राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा यहां पर राइट आंसर आपका होगा 18 डिग्री सेल्सियस। ये जो है आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन विथस्टैंड वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज। तो ये तो यूरोहेलाइन की ही डेफिनेशन है कि यहां पर बात कर रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो कि सलाइन में भी विथस्टैंड है, मतलब सलाइन सैलिनिटी में भी वो खड़ा हुआ है, तो उस टाइप की जो ऑर्गेनिज्म हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको यूरोहेलाइन के नाम से जानेंगे। ये डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है ट्रीटमेंट गिवन टू गॉट फॉर ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस एक समस्या होती है जो जानवरों में ज्यादा देखने को मिलती है, और जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, तब गर्भपात से रिलेटेड ये समस्या होती है जिसको हम ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसका एक ट्रीटमेंट सिंपल यही है, कलिंग यहां पर इसका ट्रीटमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर की मैं अगर बात करूंगा तो कलिंग यहां पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें द स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड एग्रोनेट्स और एनी अदर वोवाइन मटेरियल टू अलाउ रिक्वायर्ड सनलाइट मॉइस्चर एंड एयर टू पास थ्रू दी गैप्स। ये स्ट्रक्चर का पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर किसने डेफिनेशन दी है,
कि गैप्स में जो है एयर और मॉइस्चर जो है पास हो रहा है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे या उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? तो देखिए यहां पर अगर राइट आंसर की बात करूंगा तो शेड नेट जो है आपका जो है राइट आंसर यहां पर होने वाला है। ये क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल किस टाइप का रहा है, ठीक है। एकदम टफ लेवल तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट टू टफ हम इसको कह सकते हैं, एकदम इजी लेवल भी नहीं था, काफी अच्छा लेवल ये रहा है। और एटलीस्ट इतना एग्जाम का लेवल के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग 45 के आसपास, 40-45 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। बाकी बात करें, विच इज यूज्ड इन रियर ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन पार्ट 4 अटैचिंग कंबाइन हार्वेस्टर मूवर थ्रेसर ATC टू ट्रैक्टर। मतलब इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि ट्रैक्टर का वो कौन सा पार्ट होता है, पिछले हिस्से में कौन सा पार्ट होता है जिससे हम कंबाइनर को जोड़ सकते हैं, थ्रेशर को जोड़ सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं ट्रैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है PTO। PTO का मतलब होता है पावर टेक ऑफ, जिससे हम रोटावेटर को चलाते हैं, कंबाइनर को भी चला सकते हैं, हार्वेस्टर का जो पार्ट्स होता है ठीक है उसको चला सकते हैं और थ्रेशर को चला सकते हैं। तो आप डेफिनेशन में ही समझ गए होंगे, तो यहां पर जो पार्ट है वो होगा आपका PTO, दैट इज पावर टेक ऑफ, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो मेन रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, मतलब कि बीज की सुसुप्त अवस्था का मुख्य कारण क्या होता है। तो मेन रीजन की अगर हम यहां पर बात करें तो फिजिकल क्रैकिंग, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, डिसऑर्डर्ड सीड कोट, फंगल ग्रोथ। राइट आंसर होगा यहां पर इमैच्योर एम्ब्रियो। ये 5 ऑप्शन में जो है सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा इमैच्योर एम्ब्रियो जो है, इसके कारण सीड डोरमेंसी होती है, बीज में सुसुप्त अवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, ये राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकोइची डिसीज हम सब लोगों ने कई बार जाना है, देखा है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है। अकोइची डिसीज जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है, यानी कि H2S की डिफिशियंसी के कारण ये जो है, या टॉक्सिसिटी के कारण ये समस्या आपको देखने को मिलती है, H2S से अकोइची डिसीज, ठीक है। ये राइस में होती है, ये समस्या राइस में होती है। इसके अलावा धान का खैरा रोग भी देखने को मिलता है, ठीक है। खैरा डिसीज किससे होती है, तो खैरा डिसीज जो होती है वो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है, जबकि H2S की टॉक्सिसिटी के कारण जो होती है अकोइची डिसीज होती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात हो रही है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग बेरहाउस रिसिप्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ सब्जेक्ट टू लिमिट अप टू अगेंस्ट NWRs या ENWRs। मतलब यहां पर बेरहाउस रिसिप्ट के लोन अमाउंट की यहां पर बात कर रहा है, ये मैक्सिमम 75 लाख के आसपास होता है, सही आंसर यहां पर होगा 75 लाख, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो यहां पर बात हो रही है TSS की, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स पूछ रहा है सुगर कैन राइपनिंग डिटर्मिनेशन ब्रेक्स परसेंट। मतलब देखिए सिंपल भाषा में इसकी बात करूं तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो सुगर कैन होता है, जो गन्ना होता है, उसका जो हम राइपनिंग के लिए रिफ्रेक्टोमीटर का यूज करते हैं जिसमें TSS देखते हैं, TSS यानी कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स देखते हैं, तो वो जो ब्रिक्स परसेंट आता है उसको हम डिग्री को ब्रिक्स या फिर डिग्री में भी बोल देते हैं, तो कितना ब्रिक्स जो होगा वो सुगर केन राइपनिंग के लिए हम मान सकते हैं। तो देखिए रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज में जो ब्रिक्स होता है वो 18 से 20 यानी 18-20 ब्रिक्स या 18-20 डिग्री हम इसको बोलते हैं, तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो आपका 20 ब्रिक्स हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका IBPS AFO 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं सुगर केन के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो 2-3 बडेड जो सेट्स होते हैं, 2-3 आंखों वाले जो टुकड़े होते हैं गन्ने की, उनकी अगर सीड रेट की बात करूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो 45,000-40,000 सेट्स यानी टुकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनके वजन के हिसाब से बात करूं तो 2-3 आंखों वाले जो टुकड़े होते हैं वो 70-80 क्विंटल पर हेक्टेयर उनकी सीड रेट यहां पर रख सकते हैं अपन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी अधसाली गन्ने का एक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, अधसाली गन्ना कब लगाते हैं, तो जून जुलाई में इसको लगाते हैं, साउथ इंडिया में इसको ज्यादा लगाते हैं, और 18-24 महीने की ये क्रॉप होती है, एग्जैक्ट पूछे तो 18 महीने की ये क्रॉप होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेंसिस, ठीक है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको हम सूडो सुगर केन के नाम से जानते हैं, चाइनेंसिस को चाइना
साइनेंसिस को हम चाइनीज सुगर केन के नाम से जानते हैं, बारबेरी को इंडियन केन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। बात करूं मैं IBPS AFO के बैच की, MSC एंट्रेंस जैसे JRF, PG, BHU की या फिर RHEO के नए बैच की, तो 15 फरवरी से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हम आपको सुविधा दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम में आपको सुविधा दे रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नया बैच जो है वो 15 फरवरी से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है IBPS AFO के लिए, RHEO क्वालिटी कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के लिए और JRF MSC एंट्रेंस जैसे PG, BHU इन सब के लिए भी हम प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12। हियर आर इनपरफेक्टली डेवलप्ड फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस बट पॉसेस ऑल द मटेरियल इंसिस्ट इन हायर ऑल्सो डिफेंस। मतलब यहां पर बोल रहा है कि एक अनफर्टाइल फीमेल है, ठीक है, जो कि काम करती है मटेरियल को इधर से उधर ले जाना और डिफेंस मतलब रक्षा से रिलेटेड काम करती है, तो ये जो होती है वर्कर बी होती है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा वर्कर बी, ये राइट आंसर होगा। ये अपना जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं सेरिकल्चर एपिकल्चर, वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहां पर बात हो रही है प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म टूवर्ड्स द सनलाइट और अदर डायरेक्शन टूवर्ड्स लाइट इज ऑन हिज। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है जिस तरफ सनलाइट जा रही है उस तरफ ही उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, इसको हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर, याद रखिएगा, ये भी IBPS AFO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम 13 क्वेश्चन जान चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये सारे क्वेश्चन IBPS AFO 2021-22 में आए हुए क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट्स के माध्यम से हम तक आए हुए हैं जिनको हम आपको वीडियो के माध्यम से यहां पर लाए हैं। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ग्रोइंग प्लांट्स आउट फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया वेयर इट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर एंड पर्पस इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट इज नोन एज। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप प्लांट को फॉरेस्ट वाले पार्ट को आप बढ़ा रहे हो जो कि बाहर से लाया गया है, ठीक है, और इसका मेन मोटिव यह है कि एरिया को आपको बढ़ाना है। तो ये फॉरेस्ट का किस टाइप की फॉरेस्टी का ये टाइप रहेगा, तो ये एक्सटेंशन टाइप की जो फॉरेस्टी होगी उसका टाइप रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नाम में ही समझ में आ गया है आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब जंगल से बाहर से जिसको लाया गया है और मेन मोटिव जिसका जो है फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है, तो एक्सटेंशन फॉरेस्टी उसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हम बात करें ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट, यानी कि मूंगफली में तेल का प्रतिशत आप सब लोग जानते हैं, लगभग 40-45% के आसपास उसमें तेल की मात्रा होती है मूंगफली में, ऑयल का कंटेंट होता है और 20% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर राइट आंसर की बात करूंगा तो 44-45% जो है राइट आंसर होगा यहां पर ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट, और इसमें जो होता है 20% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसी का जस्ट अपोजिट एक क्रॉप होता है जो आप सब लोग जानते हैं सोयाबीन, जो सोयाबीन क्रॉप होता है उसमें जो होता है 40-45% उसमें प्रोटीन होता है और 20% के आसपास उसमें क्या होता है ऑयल होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बात हो रही है फिश हैविंग लंग्स एज लेब्रियंथ, इसको क्या कहेंगे या किस टाइप की ये फिश है जिसमें लेब्रियंथ पाया जाएगा लंग्स में, रोहू, कतला, मृगल, गौरामी या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करूंगा तो गौरामी यहां पर जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद आगे बात करूं इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न इनटू एडिबल डिजायरेबल फ्लावर क्वालिटी कलर पैलेटेबल नेचर विथ इथिलाइन ट्रीटमेंट। ये जो है राइपेनिंग की ही डेफिनेशन है, ये राइपेनिंग यानी पकने की डेफिनेशन है, राइपेनिंग का मतलब होता है पकना, ठीक है, किसी भी फल का पकना। इमेच्योर ग्रीन जो है वो एडिबल हो गया है, खाने योग्य हो गया है, उसमें फ्लेवर क्वालिटी कलर ये सब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे राइपेनिंग, राइट आंसर होगा यहां पर राइपेनिंग। इसके बाद बात करूं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूरिया का बैग है
वो पहले 50 केजी का आता था, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यूरिया के कंजप्शन को, यूरिया के उपयोग को कम करना चाहती है, जिससे मृदा की जो उर्वरता है वो खराब होती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको रोक सके, उसमें सुधार कर सके। इसलिए यूरिया का बैग जो 50 किलो का आता था, अब वो बैग है 45 केजी का आने लगा है। तो यही इस क्वेश्चन में बात हो रही है, यूरिया हैज बैग हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 50 केजी टू, मतलब यूरिया का जो बैग है 50 किलो से कितने केजी के आसपास उसको कर दिया है। तो राइट आंसर की मैं अगर यहां पर बात करूंगा तो राइट आंसर इसका होगा 45 केजी, 45 किलो का जो है अब यूरिया का पैकेट, यूरिया का जो बैग है, बोरी जो है वो आने लगी है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करूं बोरॉन डिफिशियंसी इंडिकेटर, यानी कि बोरॉन का डिफिशियंसी इंडिकेटर वाला क्रॉप कौन सा है, ये आपका AFO का ही क्वेश्चन है। तो ये आपका सनफ्लावर यानी सूरजमुखी यहां पर राइट आंसर होगा, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद अगर एग्जाम में कभी वो घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि मॉइस्चर के लिए कौन सी क्रॉप होती है जो इंडिकेट करती है, इंडिकेटर के रूप में काम करती है, तो मक्का यानी मेज यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी जिंक के लिए भी ये इंडिकेटर क्रॉप के रूप में काम करता है, ये आपको याद रखना है। कॉपर का इंडिकेटर क्रॉप होता है आपका व्हीट, मतलब कि कॉपर का इंडिकेटर क्रॉप के रूप में काम करता है व्हीट यानी गेहूं, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, सोडियम के लिए सुगर बीट यानी चुकंदर होता है, ये अपन को याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहां पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सनफ्लावर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वेजिटेशन ग्रोथ प्लस स्केलेटल न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। ये देखिए, ये आपका जो है न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आया है, पोषक तत्व से क्वेश्चन आया है, और इसने पहली ही लाइन में बोल दिया है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, इसी लाइन से हम पकड़ सकते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बेसिक कंपोनेंट कौन सा यहां पर एलिमेंट होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर आपका नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन जो होता है बेसिक कंपोनेंट होता है, ये पौधों को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर होगा। और देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ से भी आप पकड़ सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे बड़ा जो काम करता है वो नाइट्रोजन ही करता है। ठीक है, अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में बात हो रही है नोरेंटेन इज अ सोर्स ऑफ, नोरेंटेन जो है वो ड्वार्फनेस ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा नोरेंटेन ड्वार्फ जीन इन व्हीट। अगर राइस की बात करेंगे, राइस में बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन की बात करें या सोर्स की बात करें, तो डीजीवो जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ड्वार्फनेस इन राइस। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, हम 22 की यहां पर बात करेंगे। ACABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट, ACABC जो है वो कहां से ये ट्रेनिंग देता है। ठीक है, 2004-05 में ये आया था। ठीक है, 2004-05 के आसपास ये कॉन्सेप्ट आया था, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये जो है मैनेज हैदराबाद से ट्रेनिंग देता है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जिनका 12th एग्रीकल्चर होता है, जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन जिनने की है, BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड कोर्स, तो उनके लिए यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है ACABC की। ठीक है, फिर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहां पर राइट आंसर की बात करूंगा तो मैनेज यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के दो क्वेश्चन हो गए, यानी कि यहां पर एक क्वेश्चन है चल रहा है, ये 22 है, यानी कि 23 नंबर का ये क्वेश्चन है। एन एडवांस मेथड ऑफ एक्सट्रीम फ्रॉम मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस टू रो जोन या सीड बेड जोन ओनली, यानी इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि जो प्राइमरी टिलेज होता है उसको हम कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, उसको नहीं करते हैं, और सेकेंडरी टिलेज केवल सीड जोन जो होता है, रो जोन होता है, उसी में करते हैं। ये जीरो टिलेज की जो है डेफिनेशन बनती है। तो राइट आंसर अगर यहां पर हम बात करेंगे तो जीरो टिलेज इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 यानी 24 की। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा, आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ रहा है 400-200 ओकरा की होगी, ये हो गई आपकी फाउंडेशन सीड्स के लिए और ये हो गई यहां पर सर्टिफाइड सीड्स के लिए। ठीक है, तो 400-200 किसका पूछा है, सर्टिफाइड सीड का पूछा है ओकरा में, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 200।
ठीक है 200 मीटर, ठीक है। और अगर यहां पर पूछता कि फाउंडेशन सीट्स के लिए ओकरा में कितनी डिस्टेंस रखेंगे, तो यहां पर हम 400 मीटर जो है राइट आंसर यहां पर लेते। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम इन कैटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट, यानी कि एम्ब्रियो अगर बाहर निकल गया है, गाय की ये बात हो रही है, तो इस टाइप की जो समस्या है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये यूटेरस का लैप्सिंग कहलाता है, यानी कि लैप्सिंग ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना, ये यहां पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, अगर हम आगे बात करेंगे तो ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ गॉट फॉर मिल्क प्लस मीट, मतलब कि यहां पर द्विकाजी नस्ल पूछ रहा है मिल्क के लिए और मीट के लिए, तो बीटल जो होती है वो यहां पर द्विकाजी के रूप में काम में लेते हैं हम उसको, ड्यूल पर्पस में लेते हैं, मीट और मिल्क दोनों के लिए इसको हम पालते हैं, तो बीटल जो होगा यहां पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, कर्ल टो पैरालिसिस, ये चिकन में काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है और ये विटामिन B2 के कारण होती है। कर्ल टो पैरालिसिस ये चिकन में यानी मुर्गियों में देखने को समस्या मिलती है ये, और विटामिन बी टू के कारण ये जो होती है समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको इसको याद रखना है। फिर इसके बाद आगे बात करें 27 इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मलीना में है और इसका एक रीजनल स्टेशन इंडिया के अंतर्गत है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसका रीजनल सेंटर भी हम इसको कह सकते हैं इरी का। इरी एंड इस नेशनल रिसर्च पार्टनर्स हैव डेवलप्ड गोल्डन राइस टू कंप्लीमेंट एंड एड्रेस द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट है वो किसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए लाया गया था, तो विटामिन ए जो है विटामिन ए की पूर्ति के लिए जो है गोल्डन राइस को लाया गया था। ये आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये बात को मुझे यहां बताने का ये मतलब है कि एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम वही का वही हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पैटर्न पर ही आईबीपीएस एएफओ के मेंस में रिपीट हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे एग्जाम को आप आने वाले एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस टाइप के ट्रेंडिंग एग्जाम में जो है क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, ठीक है। 28 की बात करेंगे, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन हिली एंड माउंटेन एरिया, तो यहां पर हिली एंड माउंटेन एरिया में बात कर रहा है सोयल और वाटर कंजर्वेशन की, तो कंटूर यहां पर जो है बंडिंग राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर होगा यहां पर कंटूर बंडिंग। उसके बाद आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ इरिगेशन वाटर सोर्स हैज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज मिलीक्विलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, यानी SAR की यहां पर बात कर रहा है, SAR की यहां पर ये बात कर रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है सोडियम प्लस अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप जो है इस एग्जाम में आए हुए इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। यहां पर आपको सोडियम की वैल्यू रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड करना है। यहां पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो 6.67 जो है वो राइट आंसर यहां पर आपका निकल आएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 30 की, सुगर कैन FRP, जनरली सभी क्रॉप को MSP दिया जाता है लेकिन सुगर कैन को FRP दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जिसको हम कहते हैं FRP, यहां पर पूछ रहा है विल बी एप्लीकेबल ऑन बेसिस रिकवरी ऑफ 10% एट प्रेजेंट, तो FRP की बात करेंगे तो यहां पर सुगर कैन यानी गन्ने के यहां पर 2 क्वेश्चन आ गए और FRP यहां पर होगा सुगर कैन का जो है वो 290 यहां पर जो होगा राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है गाइस, बातों बातों में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक आ गए हैं, प्लस 1 यहां पर हो गया क्योंकि 21 के 2 क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, तो यहां पर हमने 31 क्वेश्चन को जान लिया है। वीडियो काफी लंबी और हो जाएगी अगर हम और क्वेश्चंस को जानेंगे, तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं गाइज। ये हो गया है यहां पर इसका पार्ट 1, और अगर हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की तो पार्ट 2 जल्दी आपको मिलने वाला है। आई होप यहां तक आपको ये क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बात करूं नए बैच की
तो नया बैच हमारा 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है आईबीपीएस एफओ के लिए, आरएचईओ के लिए, क्वालिटी कंट्रोलर के लिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एमएससी लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी हमसे हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो जेआरएफ प्री पीजी या बीएचयू की किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।